हाय एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे पोएम स्वीट 16, जिसे यूनिस डिसूजा ने लिखा था। इस चैनल पे मैंने यूनिस डिसूजा के एक और पोएम को डिस्कस किया है, जिसका टाइटल है बिक्वेस्ट। तो आप वो भी देख लें ज़रूर से, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यूनिस डिसूजा जो है वो किस तरह के पोएम्स को लिखा करती थी। ये जो पोएम है स्वीट 16, वो काफ़ी छोटा है। इसमें सिर्फ दो स्टैंजा है। एज़ यू कैन सी, फर्स्ट वाले स्टैंजा में 13 लाइन्स है और सेकेंड वाले स्टैंजा में 7 लाइन्स। इसका कोई पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम या नहीं है और ये कम्प्लीटली फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। यू कैन से कि ये एक तरह का कन्फेशनल पोएम है, क्योंकि यूनिस डिसूजा इंडियन कन्फेशनल पोइट भी हैं। आइए अब जानते हैं कि यूनिस डिसूजा किस तरह के पोएम्स को लिखा करती थी। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि यूनिस डिसूजा जो है वो एक इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज पोइट हैं, यानी कि वो इंडिया से बिलोंग करती है लेकिन अपने वर्क्स को वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखती है। ठीक है, वो एक पोइट भी है, लिटरेरी क्रिटिक भी है और वो एक नॉवलिस्ट भी रह चुकी है। उनका जन्म 1940 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2017 में हुई। ठीक है, वो एक ग्वान कैथलिक फैमिली से बिलोंग करती है और इस चीज़ का हिंट या फिर कह लो रेफरेंस आपको उनके बहुत सारे वर्क्स में मिल जाएगा। वो क्रिटिकली इस चीज़ को अपने वर्क्स में प्रेजेंट करती है कि जब एक लड़की कैथलिक फैमिली, ग्वान कैथलिक फैमिली में उनका जन्म होता है तो किस तरह से उनका अपब्रिंगिंग किया जाता है। ठीक है, कि वो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली प्रेजेंट करती है। अगर हम बहुत ही कम वर्ड्स में अगर डिस्कस करें कि वो किस तरह के पोएम्स को लिखा करती थी, तो बेसिकली वो एक फेमिनिस्टिक पोइट है, वो एक कन्फेशनल पोइट है। वो अपने पोएम्स में औरतों के बारे में बात करती है, फेमिनिन सेंसिबिलिटी के बारे में बात करती है। ठीक है, और वो दिखाती है कि किस तरह से विमेन जो है सफ़र करती है, ऑप्रेस्ड होती हैं एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में या फिर एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में, वो किस तरह से रहती हैं, उनको कितना ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वो अपने वर्ड्स के थ्रू मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को अटैक भी करती है। बहुत बारी ऐसा होगा कि वो रिलीजन को भी अटैक करते हुए नज़र आएंगी। तो वो हर चीज़ जो वुमेन को ऑप्रेस्ड करती है, सप्रेस करके रखने की कोशिश करती है, उन चीज़ों के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाती हैं। और ये चीज़ आपको बहुत ही क्लियरली बिक्वेस्ट पोएम में भी नज़र आ जाएंगी। और ये जो पोएम है स्वीट 16, इसमें भी बहुत हद तक उन्होंने दिखाया है कि जब एक लड़की टीनेज पीरियड में एंटर करती है तो हाउ शी इज़ बीइंग ट्रीटेड बाय फैमिली, सोसाइटी, स्कूल्स। ठीक है, किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना पेट्रियार्कल सोसाइटी का, इसमें सिर्फ मेन ही इंक्लूडेड नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं वुमेन खुद इंक्लूड हो जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक वुमेन जो होती है वो दूसरी वुमेन को ऑप्रेस्ड करती है और सप्रेस करने की कोशिश करती है, और ये चीज़ को उन्होंने स्वीट 16 में भी दिखाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोएम पढ़ना। तो फर्स्ट लाइन है, ये काफ़ी इजी पोएम होने वाला है, लेकिन हमें समझना होगा इसका पॉइंट। ठीक है, हमें इसे अच्छे से एनालाइज करना होगा। सो शी स्टार्ट्स लाइक दिस, वेल यू कांट से दे डिडंट ट्राई। ठीक है, यहाँ पे दे का मतलब हो गया फैमिली, सोसाइटी या फिर उनके खुद के पेरेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे जो नैरेटर है वो राइटर खुद है, तो वो कह रही है राइटर कि आप ये नहीं कह सकते कि उन लोगों ने कोशिश नहीं की। अब क्या कोशिश नहीं की, आइए आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ पोएम में आगे बढ़ने से पहले जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि यूनिस डिसूजा ने इस पोएम को तब लिखा होगा या फिर इसे जब वो 16 ईयर्स की हो गई होंगी, जब वो 16वें साल की हो गई होंगी, तो उस पर्सपेक्टिव से ये पोएम को लिखा गया है। ठीक है, कि जब वो 16 साल की हो गई थी, जब वो एक टीनेज पीरियड में एंटर कर चुकी थी, ठीक है, या फिर ऑलमोस्ट एंड होने वाला था उनका टीनेज पीरियड, तो किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता था, वो किस तरह से उनको सोसाइटी, स्कूल्स, पेरेंट्स, ठीक है, उनको किस तरह से ट्रीट करते थे, उनको क्या क्या अवेयरनेस से दूर रखा जाता था और क्या क्या रिस्ट्रिक्शन और क्या क्या उन्हें बातें बताई जाती थी, वो उस पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। ठीक है, तो वो कहती हैं कि वेल यू कांट से दे डिडंट ट्राई, मतलब कि ये हो गया कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि उन लोगों ने कोशिश नहीं की। बेशक उन लोगों ने कोशिश की बहुत सारी चीज़ों को मेरे ऊपर डालने की, ठीक है, और क्या क्या रिस्ट्रिक्शन थे, वो सारी चीज़ों के बारे में वो बात करेंगी।
थर्ड लाइन है ममाज नेवर मैंशन मेंसेस, ठीक है। तो यहाँ मेंसेस यू कैन अंडरस्टैंड कि मेंस्ट्रुएशन की बात की गई है, तो वो कह रही कि ममा ने कभी भी मेंसेस के बारे में मेंशन नहीं किया, ठीक है। नाउ 16 इयर्स एज मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल पीरियड होता है व्हेन अ बॉडी स्पेशली दी बॉडी ऑफ अ गर्ल गोज थ्रू लॉट्स ऑफ चेंजेस, ठीक है। बहुत सारी फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस आती है और ये कम्प्लीटली नया होता है एक बच्चे के लिए, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी इस तरह की चीज़ों को पहले एक्सपीरियंस नहीं किया होता है। कई बार ऐसे होते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ फ्रैंक स्पीकिंग के वजह से अगर हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते हैं अपने घर में, पेरेंट्स अगर अपने बच्चों से ये चीज़ शेयर नहीं करते हैं, तो बहुत बार होता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो डर भी जाती बहुत सारी चीज़ों से, ठीक है, कि उनके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, उनको खुद डर लगने लगता है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है, वी शुड बी वेरी फ्रैंक और ये सब सारी चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए व्हेन इट इज़ नेसेसरी, जब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाता है तो हमें इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए। तो यूनिस डिसूजा कहती है कि ममाज नेवर मेंशन मेंसेस, ठीक है, कि उन्होंने कभी भी मेंसेस के बारे में नहीं बताया मुझे। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि पहली टीचर, जैसा कि हम कहते हैं कि वो घर की माँ ही होती है, ठीक है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे पहले से जाने और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे अपने पेरेंट्स से पहले जाने, ठीक है, अपने मम्मा या जो मदर होती है उनसे वो जाने ताकि वो फ्रैंकली बात कर सकें हर तरह की टॉपिक पे। पर होता है क्या हमारे सोसाइटी में कि ये सब सारी चीज़ों से हमें दूर रखा जाता है, ठीक है, एक जनरल बिलीव बन गया है कि जितना बेहतर होगा कि लड़कियाँ ये सब सारी चीज़ों से दूर रहें, ये सब सारी बातें ना करें, लड़कियां उतना ज़्यादा सेफ होगी। पर क्या ये सच है? ये बिल्कुल भी सच नहीं है। इनफैक्ट हमें नॉलेज से ऑब्लिवियस किया जा रहा है, ठीक है, हमें नॉलेज का कोई आइडिया ही नहीं है और हमारे बॉडी में क्या चेंजेस होता है ये जानना हमारा राइट बन जाता है। और बहुत ज़रूरी है कि हम इस सारी चीज़ों को फैमिली में डिस्कस करें और ये फैमिली का रोल यहाँ पर दिखाया गया है, स्पेशली मदर का रोल दिखाया गया है कि इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब यूनिस डिसूजा अपने 16 ईयर्स में होंगी तो उनसे ये सारी चीज़ें शेयर नहीं की गई और ये चीज़ अब भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि अब भी बहुत सारे फैमिलीज़ में क्या होता है कि ये सब सारे टॉक्स जो होते हैं वो मदर अपनी बेटियों से बिल्कुल भी नहीं करती और क्या होता है प्रॉब्लम, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट देयर बॉडी, ठीक है। तो वो कह रही है कि ममाज ने ये सब सारी चीज़ों को कभी भी मेंशन नहीं किया। ये जो सोसाइटल कंडीशन है ना, बेसिकली यहाँ पे दिखाया गया है कि सोसाइटी बाद में बल्कि घर की औरतें पहले ही स्टार्ट कर रही थी ये सब सारी सोसाइटल कंडीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ नन स्क्रीम्ड यू वल्गर गर्ल डोंट से ब्राजियर्स से ब्रेसलेट्स, ठीक है। अब यहाँ नन जो चर्च में होती है उनसे भी वो भी हो सकती है नन या फिर जो स्कूल में होती है क्योंकि वो एक क्रिश्चियन कैथलिक स्कूल में पढ़ती थी, ठीक है। यूनिस डिसूजा उनका अपब्रिंगिंग उसी साइड पे हुआ है तो वहाँ पे जो टीचर्स होती हैं, ठीक है, जो सिस्टर्स होती हैं उन्हें भी हम कभी कभी नन बोलते हैं। तो फिर अब वो मेंशन कर रही है कि एक नन, ठीक है, चिल्ला करके बोलती है यू वल्गर गर्ल, ठीक है, वल्गर यू कैन अंडरस्टैंड, तो वो बोलती है कि आप लोग वल्गर कर लो, तुम वल्गर कर लो एंड डोंट से द वर्ड ब्राजियर्स। सो ब्राजियर्स, द लिटरल मीनिंग ऑफ ब्राजियर्स बेसिकली इट मीन्स दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ अंडिस, अ काइंड ऑफ क्लोथ, ठीक है, अंडर गारमेंट जो कि वुमेन वेयर करती है, काइंड ऑफ अंडिस, ठीक है। तो नन बताती है कि इफ़ यू आर यूजिंग दिस वर्ड ना ब्राजियर्स देन यू विल बी कॉल्ड अ वल्गर गर्ल, ठीक है, आपको वल्गर कहा जाएगा और डोंट से ब्राजियर्स, जस्ट रिप्लेस दिस वर्ड ब्राजियर्स एंड से ब्रासलेट्स, ठीक है। सो यू कैन सी कि ब्राजियर्स और ब्रासलेट्स का जो मीनिंग है वो कम्प्लीटली अलग है, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स भी नहीं है और कितना इलॉजिकल चीज़ है, ठीक है, और वर्ड को बोलने में क्या बुराई है। यहाँ पे यूनिस डिसूजा ये चीज़ को रिफ्लेक्ट करना चाह रही है कि बुराई कुछ भी नहीं है बट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वी आर टॉट कि हम ऐसे नहीं बात कर सकते एंड स्पेशली वुमेन, ठीक है, कि हम ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, हम ऐसे नहीं रह सकते, हम ये वर्ड्स नहीं बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत पहले ही सिखा दिया जाता है एंड देन वी फिर हम लोग फाइट करते हैं इक्वालिटी के लिए जो कि कम्प्लीटली इलॉजिकल है। और जैसा कि मैंने कहा कि पेट्रियार्कल सोसाइटी इज़ नॉट ऑल अबाउट मेल, यहाँ पे विमेन भी होती हैं, ठीक है, ठीके? जो कि दूसरे विमेन को ओप्रेस्ड करती है, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देती हैं। तो यू कैन सी कि कौन से वर्ड को किस वर्ड से रिप्लेस करने का ऑर्डर दिया जा रहा है एंड इफ़ यू आर यूजिंग दीज काइंड्स ऑफ वर्ड देन यू विल बी कंसिडर एज द वल्गर गर्ल, ठीक है, जो कि कम्प्लीटली गलत है। She pinned paper sleeves onto our sleeveless dresses. अब वो कहती हैं जो
नारेटर है, ठीक है, जो स्पीकर है यानी कि यूनिस डिसूजा जो है वो कह रही है कि अगर कभी स्लीवलेस ड्रेस भी पहनो तो शी यूज़ टू पिन आर स्लीवलेस ड्रेसेस, ठीक है, पेपर के स्लीव्स को वो हमारे ऊपर ढक देती थी। इट मीन्स कि यू कैन नॉट शो योर बॉडी, ठीक है, शोइंग बॉडी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, लेकिन यहाँ पे यू आर नॉट इवन अलाउड टू वेयर स्लीवलेस। इट शोज़ कि किस तरह के रिस्ट्रिक्शन को एक गर्ल्स के ऊपर डाला जाता है, एंड यू आर जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो सिर्फ ये चीज़ दैट यू कैन नॉट वेयर लाइक दिस, यू कैन नॉट से द वर्ड्स लाइक दिस, ये सारी चीज़ों को दिखाता है कि किस तरह से सोसाइटी प्रेशर डालना स्टार्ट करती है, ठीक है। व्हेन यू एंटर इनटू 16 तो आप एक कंसीडर किए जाते हो कि आप एक ग्रोन अप गर्ल हो चुके हो, ठीक है, और फिर जो है सोसाइटी या फिर फैमिली मेम्बर्स आपको ये सारी चीज़ें प्रेशराइज करने लगते हैं, ये सारी चीज़ें बताने लगते हैं जो कि कम्प्लीटली इलॉजिकल है। ये सब सारी चीज़ों से वैसे होता कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो बता रही है, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, कन्फेशनल पोअम है, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है, और आप इस पोअम को आप अपने लाइफ से भी काफ़ी हद तक रिलेट कर सकते हो इफ़ यू आर अ गर्ल, ठीक है। तो वो बताती है कि पेपर स्लिप को हमारे स्लीवलेस ड्रेसेस के ऊपर डाल दिया जाता था। द प्रीचर थंडर्ड, नेवर गो विद अ मैन अलोन, नेवर अलोन, एंड इवन इफ यू आर एंगेज्ड ओनली पैशनलेस किसेस। अब यहाँ पे प्रीचर की बात की जा रही है, तो यूनिस डिसूजा बोलती है कि प्रीचर भी जो है वो थंडर्ड करके यानी चिल्ला के गरज करके ये सारी चीज़ों को हम लोग को प्रीच किया करते थे, दैट यू शुड नेवर गो अलोन, ठीक है। एक मर्द के साथ आपको कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं, लेकिन हाँ अगर आप इंगेज्ड हो तो आप उसके साथ अलाउड हो बाहर जाने के लिए, अलाउड हो पैशनलेस किसेस करने के लिए। सो यू कैन कम्प्लीटली सी कि यूनिस डिसूजा बहुत ही सिंपल वर्ड्स में किस तरह से प्रीचर को, सोसाइटी को, ठीक है, काइंड ऑफ हिपोक्रिट बता रही है और दिखा रही कि क्या हिपोक्रेसी है। पहले प्रीचर कहता है कि आप किसी मर्द के साथ बाहर नहीं जा सकते हो, लेकिन अगर आप इंगेज्ड हो देन येस यू कैन डू पैशनलेस किसेस, ठीक है, पैशनलेस किसेस आप कर सकते हो। तो ये हिपोक्रेसी दिखा रहा है, ठीक है, वुमेन के बारे में, ठीक है, वुमेन किस तरह से अपने लाइफ को एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में एडजस्ट करने की कोशिश करती है या फिर क्या क्या वो सीखती हैं अपने सोसाइटी से, इस चीज़ को यूनिस डिसूजा ने काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करके, ठीक है, इस यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। वो दिखाना चाहती हैं कि विमेन को किस किस ग्राउंड पे, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड किया जाता है, वो किस तरह से बोल सकती है, क्या पहनना चाहिए, किसके साथ घूमना चाहिए, एवरी थिंग्स आर बीइंग डिसाइडेड बाय द सोसाइटी, बाय द प्रीचर्स, बाय द नन, इवन देयर पेरेंट्स, ठीक है, इस तरह से कंट्रोल किया जाता है लाइफ को। अब हम लास्ट स्टैंजा में हैं। अच्छा, ये जो पोएम है ना काफ़ी इजी टोन में लिखा गया है, और अगर आप इसे पढ़ोगे एक बार तो आपको ये थोड़ा सा फ़नी भी लगेगा, स्पेशली मुझे सेकेंड स्टैंजा काफ़ी फ़नी लगता है। बट मेन पॉइंट है कि हमें ये समझना है कि ये फ़नी होने के साथ साथ भी बहुत क्रिटिकली सोसाइटी के ऊपर लिखा गया है, एंड इट इज़ द टाइम फॉर द रिफॉर्मेशन, ठीक है। बहुत हद तक हम रिफॉर्मेशन देख सकते हैं, लेकिन अभी भी स्टिल बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो फ्रैंकली अपने बच्चों से ये सब सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है, बातें नहीं करते, जो कि बहुत ज़रूरी है बात करना। कई बार ऐसा होता है कि वी डोंट टीच चिल्ड्रन कि क्या सही है क्या गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे दिमाग में भी एक एग्जाम्पल आ रहा है कि हम उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में नहीं बताते, एंड द रिजल्ट इज मॉलेस्टेशन, एंड दे इवन डोंट नो कि उनके साथ क्या हो रहा है। जब उनके साथ ये सारी चीज़ें होती है, स्पेशली गर्ल्स की मैं बात कर रही हूँ, जब उनके साथ ये सारी चीज़ें होती है दे आर नॉट इवन अवेयर कि हाँ उनके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि उन्हें पहले बताया ही नहीं गया है कि दीज थिंग्स आर रॉन्ग एंड दीज थिंग्स आर राइट। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ओपनली और फ्रैंकली बात करें, और जब उन्हें पता चलता है कि ये चीज़ें गलत हो रही थी मेरे साथ, तो उनके अंदर इतना हिम्मत भी नहीं होता है कि वो आकर के अपनी फैमिली से डिस्कस करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे तो आई विल बी कंसीडर्ड एज अ ब्लेम्ड पर्सन, ठीक है, मुझे ही ब्लेम किया जाएगा, एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। तो नेक्स्ट स्टैंजा है, एट 16 फेबे आस्क्ड मी, कैन इट हैपन व्हेन वी आर इन अ डांस हॉल, आई मीन यू नो व्हाट, गेटिंग प्रेगर्स एंड ऑल दैट व्हेन यू आर डांसिंग। आई 16 अश्योर्ड यू कुड, ठीक है। अब नैरेटर जो है वो बता रही है कि
जब मैं 16 ईयर्स की थी तो फिर फेबे ने मुझसे पूछा, फेबे उनकी दोस्त होंगी शायद, ठीक है, तो फेबे ने मुझसे पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है। यू कैन सी कि जो फेबे क्वेश्चन कर रही ना वो कितना ज़्यादा फनी है, लेकिन फनी होने के साथ साथ ये इग्नोरेंस को दिखा रहा है दैट द गर्ल्स आर नोइंग नथिंग एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब उनके बॉडी में चेंजेस आ रही है दे आर द वन हु शुड नो, ठीक है। लेकिन फेबे जो क्वेश्चन करती है वो काफ़ी फनी है, इसलिए मैंने कहा कि ये पोएम काफ़ी फनी है, फर्स्ट बार आप पढ़ोगे तो ये आपको फनी लगेगा, ठीक है। तो फेवे पूछती है क्या ऐसा हो सकता है कि सपोज वी आर डांसिंग इन अ हॉल और यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ आई मीन यू नो व्हाट गेटिंग प्रेगर्स, सो यू कैन सी कि वो डायरेक्टली भी ये चीज़ नहीं बोल पा रही है, ठीक है। बच्चे वो जो है वो डायरेक्टली भी नहीं बोल पा रही है क्योंकि वैसा माहौल नहीं है, ठीक है, उस चीज़ को सिखाया नहीं गया है। क्योंकि अगर सिर्फ वर्ड ब्राजियर्स बोलने से वो लोग को वल्गर कहा जाता है तो भाई अभी जो वो पूछने वाली है ना वो और भी क्या कहते हैं सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए यू कैन सी कि किस तरह से वो टाल मटोल कर रही है, आई मीन यू नो वॉट, मेरा मतलब है, तुम जान रही हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कुछ इस तरह के टोन में फेवे उससे पूछती है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर तुम एक डांस हॉल में यू नो व्हेन यू आर डांसिंग विद योर मेल पार्टनर तो यू कैन गेट प्रेगर्स। अब प्रेगर्स का मतलब क्या है, तो बेसिकली प्रेगर्स का मतलब यहाँ पे प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो प्रेगर्स काइंड ऑफ स्लैंग या फिर कह सकते हो कोड की तरह यहाँ पे यूज़ किया गया है, क्योंकि अक्सर सोसाइटी में ऐसा होता है वी आर नॉट सपोज टू से वर्ड्स लाइक प्रेगर्स, सेक्स, सेक्सुअलिटी, क्योंकि अब भी ऐसा है कि अगर आप कहीं बोलोगे तो पीपल विल सी यू, पीपल विल स्टार्ट स्टेयरिंग यू एज इफ़ यू हैव डन अ काइंड ऑफ क्राइम, ठीक है, आपने कुछ क्राइम कर दिया और आपको देखने लगते हैं। तो इसलिए वहाँ पे वो बोल रही क्या ये पॉसिबल है, सो यू कैन सी कि कितना फ़नी सा क्वेश्चन है। लेकिन और फिर यूनिस डिसूज़ा आगे बोलती है आई 16 एश्योर्ड हर यू कुड, ठीक है, वो बता रही है कि और मैं 16 साल की थी और मेरे पास जितना नॉलेज था उस हिसाब से मैंने उसे बताया कि हाँ यू कैन गेट प्रेग्नेंट इफ़ यू आर डांसिंग विद योर मेल पार्टनर। सो यू कैन सी कि ये फनी होने के साथ साथ कितना ज़्यादा इग्नोरेंट है, ठीक है। अब बच्चों में ये चीज़ डर है, 16 ईयर्स की ओल्ड लड़कियों में ये चीज़ डर है, तो ये पोम दिखाता है फियर को, ठीक है, डर को और इग्नोरेंस ऑफ सेक्सुअलिटी को ये दिखाते हैं। और ये रीज़न क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज, उनको ये चीज़ें बताई नहीं जाती, उनको ये चीज़ें समझाई नहीं जाती है एंड दे आर अज्यूमिंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स दैट ओके डांस करने से ये हो सकता है, डांस करने से वो हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है मिसकंसेप्शन जो आ रहा है गर्ल्स में उस सारी चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है। ये पोएम काफ़ी सिंपल था लेकिन बहुत ज़रूरी है इस पोएम को हमें समझना, ठीक है, ताकि हम अपने आने वाले जनरेशन को भी अच्छे से एजुकेट कर पाएँ। यू कैन सी कि इवन गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू से वर्ड्स क्लियरली, ठीक है, जैसे कि ब्राजियर्स को ब्रेसलेट से रिप्लेस करना है, उसके बाद यू आर नॉट अलाउड टू से द वर्ड प्रेग्नेंट, आपको प्रेगर्स यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों को ना कोड बना दिया गया कि यू कैन यूज़ दीज थिंग्स, आप क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना वुमेन का कि लाइक वुमेन क्यों जो नन है वो क्यों बोल रही है दैट यू शुड नॉट वेयर स्लीवलेस ड्रेस, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि वुमेन ने अगर ऐसे कपड़े पहने हैं तो वुमेन के साथ बुरा होगा, ये कॉन्सेप्ट ही दिखाता है कि सोसाइटी अब भी कितना ज़्यादा पीछे है, ठीक है, और कपड़ों से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, और जैसा कि मैंने कहा कि एक प्रिवेलेंट आइडिया बन चुका है कि जितना बेहतर होगा कि लड़कियां ये सब चीज़ों के बारे में बात ना करें उतना अच्छा है, बट यस बॉयज़ आर अलाउड टू टॉक, लड़के बात कर सकते हैं क्योंकि भाई वो लड़के हैं, ठीक है। तो ये पोएम काफ़ी सिंपल था, मैंने सोचा था कि मैं ऐसा डिस्कस नहीं करूँगी बट फिर मुझे ऐसा लगा कि इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, और मुझे जितना हद तक आइडिया है मैं इस चीज़ को कम्प्लीटली आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।